पंजाब के लिए एक बेहद खास दिन, क्योंकि आज पंजाब का मुख्यमंत्री चुना जाने वाला है। आपको बता दें कि यहां पर चुनाव के लिए मतदान 20 फरवरी 2022 को हो चुका है और आज सुबह से रुझान आना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और नतीजों के रुझानों पर अगर गौर करें तो पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है। जी हां, उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक सभी सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं जिनके नतीजे तय करेंगे कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक और मौका मिलेगा या फिर सत्ता परिवर्तन होगा। और शुरुआती रुझानों को अगर देखें तो सत्ता परिवर्तन यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रुझानों में आप बहुमत की ओर है, आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो पंजाब में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की ओर पंजाब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी सरकार यहां पर बनेगी, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रुझान आने का सिलसिला जो है वो 12 बजे तक और उसके आसपास या फिर शाम 5 बजे तक भी चल सकता है। और शाम के बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि सभी सीटों पर मतगणना चल रही है, लेकिन शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन मतगणना जारी है, ऐसे में बीच में ये जो फैसला है ये पलट भी सकता है। तो लिहाजा थोड़ी देर का हमें इंतजार और करना होगा ताकि ये पता चल सके कि पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे आने वाले हैं और आज ये तय होगा कि आखिर किसको पंजाब की सत्ता मिलने वाली है, सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। आपको बता दें कि पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। पंजाब चुनाव 2022 में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिंधु के निर्देशन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस का मुख्य मुकाबला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भगवंत मान को पेश किया गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है, जबकि पिछले चुनाव तक बीजेपी का गठबंधन प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल से था, लेकिन अभी रुझानों में आम आदमी पार्टी इन तीनों ही पार्टियों को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार रुझानों में बनती हुई नजर आ रही है।